हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जैनवासी। मैं अपने विंध्याचल अपनी माँ के पास पहुँच गई हूँ, अपने भाइयों के पास पहुँच गई हूँ। हम लोग शादियों में कहते हैं ना, इतनी एक्साइटेड हैं। जो गाना है ना, हम साथ साथ में, छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया। तो हमारे छोटे छोटे भाई हैं, बड़े भाई तो नहीं है, छोटे भाई हैं, उनकी शादी में धूमधाम से ये बहन खूब नाचने वाली है। बस आज सुबह पहुँची हूँ और अपनी माता रानी के लिए अपने भाइयों के साथ पहुंची हूँ। मेरे साथ मेरे प्रदु के साथ मेरे सारे भाई आए हैं। सब भाई आए हैं, पवन भाई आए हैं, विलास भाई आए हैं, चार पांच मतलब पूरी बाराती आए हैं। एकदम बारात लगनी तो चाहिए ना, कि बारात निकलेगी तो कितनी धूम से निकलेगी। सबसे पहले ये वीडियो बनाने के पहले सबसे आग्रह है कि ये वीडियो को पहले समझे और उसको कोई भी अपने पे ना ले। देखिए, विद्या देवी बोलती है लेकिन दिल में पाप नहीं है। और ये वीडियो को पहले पूरी तरह से सुने, उसके बाद फिर जिसको जो बोलना है बोले, ठीक है। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मुझे ये बताना है कि बहुत बार सब गलत समझ जाते हैं कि मैं इनके लिए वीडियो बना रही हूँ, उनके लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा मोटिवेशन उनके लिए है जिनकी वजह से यह सब कुछ मैं झेल रही हूँ। ऐसी बात है। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने डिलीट कर दी, लेकिन उसमें क्या है ना, जब हम बनाते हैं तो सबको लगता है हम किसके लिए बोल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात, विद्या देवी को बहुत लोगों ने धोखा दिया, लेकिन जब कोई उसे अपना मान के हाथ पकड़ता ना, कहते ना मदद पे काम आते हैं ना, यहाँ तो हमारे अपने कभी काम नहीं आए, मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन अगर पराए काम आएंगे तो मैं उनके लिए कभी गलत तो बोलूँगी भी नहीं, सोचूंगी भी नहीं। मैं ऐसी बात बता रही हूँ। इस वक्त मैं अपने रूम में अकेली हूँ, बहुत अच्छे से वीडियो बना रही हूँ। मेरे प्रदु गए अपना घूमने, क्योंकि भाई दामाद हैं तो थोड़ी ना घर में रहेंगे, वो घूमने चले गए अपने दोस्तों के साथ। सबसे पहले थैंक यू सो मच मेरे प्रदु के सारे दोस्तों को। दोस्त क्या, मेरे भाई हैं वो। मैं जब उस दिन बहुत दुखी थी ना, जिस दिन मेरे प्रदु में लफड़ा हुआ था, तो मेरे पवन भाई ने, विलास भाई ने कहा था, दीदी आपने एक भाई से धोखा खाया है ना, अब हमारा देखिएगा, अगर हम भाई आपको क्या करते हैं, आपका विश्वास कभी नहीं टूटेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे लिए तो विश्वास उसी दिन बन गया जिस दिन उन्होंने मेरे प्रदु के साथ खड़े होके मेरे साथ मारामारी में हेल्प किया। और उसके बाद उन्होंने निडर, उन्होंने ये भी नहीं डरे कि लोग क्या करेंगे, क्योंकि वहाँ कुछ लोग उनको धमकी दे रहे थे, तेरे इसको तेरे जीजा को बोल देंगे, इसको बोल देंगे, उसको बोल देंगे, तो भी उन्होंने निडर होके जो सच था वो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सच बोला। जबकि आज की तारीख में जल्दी कोई इस तरह से बोलने करने नहीं आता है। तो इतना वादा तो ज़रूर है, जिसने मेरी मदद की है ना, तो मैं उन लोग की मदद हमेशा हमेशा करूँगी जब तक जिंदा रहूँगी। अब उन लोग के लिए मेरे दिल में कुछ भी नहीं है। पहले थोड़ा बहुत कभी रहा भी होगा, लेकिन अब बिल्कुल नहीं। अब तो वो मेरे सच में भाई हैं और भाई से ज़्यादा मेरे प्रदु के दोस्त हैं। भाई जब दीदी बोला है ना, दीदी नहीं हो तो माँ ही मानते, विराज भाई तो मुझे माँ ही मानते, तो वो लोग मुझे माँ मानते। इसके लिए मैं आपको सच बोलूँगी, इसलिए मेरी माता रानी ने किसी ने, मैं एक एक बात का क्लू देती जाऊंगी। अभी आज मैं वीडियो जिसके लिए बनाऊंगी उसका खुद ब खुद बताऊंगी कि इन लोगों के लिए वीडियो बन रही है, तो आप पूरी सुनिए। कल का मेरा मोटिवेशन ऐसा था कि मैंने कहा था कि किसी ने मुझे कहा था, अभी दो दिन पहले की बात है, मैंने रात को वीडियो बनाई थी कि इस अमावस्या तक भोगा बड़ा खेल। तो किसी ने तो मुझे वीडियो पे मैसेज किया था, मेरे प्रदु को मैसेज किया था, बाद में मैंने उसका नंबर ब्लॉक किया था, उसने मेरा वीडियो अपना मतलब पूरा मैसेज हटा दिया। उसने मैसेज किया था, अरे प्रदु तुम भाग जाओ, प्रदु तुम इधर से भाग जाओ, ये औरत तुमको सबके सामने पिटवा देगी, ये तुमको विंध्याचल का दामाद बोल रही है, जब तुम मार खा रहे थे तो विंध्याचल माता आई थी क्या तुमको बचाने के लिए, ऐसा सब बहुत गंदा, तुम भाग जाओ, तुम्हारा बच्चा होने से पहले तुम मर जाओगे, ये वो सब बोला गया था। जबकि मेरे प्रदु मेरे सामने ही थे, मैंने उन्हें दिखाया तो मैसेज, फिर मैंने बंदे का मैसेज डिलीट किया, तो बंदा उसका नंबर ब्लॉक किया, तो उसने मैसेज डिलीट कर दिया। इसमें ऐसा हुआ, उस बात पे मैंने कहा था कि आप लोग मुझे नहीं, मेरी माँ विंध्यवासिनी को टारगेट कर रहे हो। अरे वो विंध्याचल का दामाद था, तभी तो सोची ना, 15 लड़कों में मैं प्रेग्नेंट औरत, आप सोचो मैं आधे दूर भी ठीक से चल नहीं पाती। मैं आपको सच बोलूँ तो मुझे 1 किलोमीटर भी चलना होगा, अभी ऐसी हालत है। देखिए, बच्चा तो है ना मेरे पेट में, एक प्रेग्नेंट औरत, अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं होती ना, तो उन 15 लड़कों को मार के गिराने में मेरे में दम था। लेकिन मैं अकेली 15 औरत 15 लड़कों से लड़ी हूँ, बीच में मेरे साथ मेरा पवन भाई थे, विलास भाई थे, सब लोगों ने मिल के बचाया, लेकिन मैं अकेली औरत उन 15 लोगों को हटा रही थी। सोचो मेरे पेट पे भी हाथ लग गया, मेरे पेट पे दर्द है कितने दिनों से, अभी आज कल रात को भी बहुत अजीब सा दर्द हो रहा था।
उस बात पे मैं बोली कि उन लोगों के दिमाग में उस वक्त क्या आया पता नहीं, मेरी माँ का ही कमाल था, मेरे सुल्तान का ही कमाल था कि वो लोग पीछे हट गए। और नहीं तो उन लोग तो पूरी कोशिश थी, मेरे प्रभु को एक जन ने लात मारी थी, एक जन ने गिरा दिया था, यहाँ से खून निकल रहा था, ये मेरी माँ का ही कमाल था ना। और आज की तारीख में जब उन पर वीडियो बनी है, आपको सच बोलूँ मैंने वीडियो कट कर दी थी जब मैं बोल रही थी, वो वीडियो अचानक से अपलोड हुई बल्कि जिसमें पूरा पता चल गया लोग मारे मारा कर, क्योंकि जब वो लोग मेरे प्रभु पे हाथ उठाने गए ना तो मैं फटाक से बीच में भागी, उसको किसी ने मेरी मेंटेलिटी नहीं समझी। मैं अपने प्रभु को खोते खोते पाई हूँ, मैं एक सुहागन औरत हूँ। मेरे दिमाग में ऐसा हुआ कि फिर से 4 साल पुराना वाला किस्सा आ गया, यार मेरे प्रभु को मारने जा रहे हैं। आप सोचिए आज से 3 साल पहले मैंने उस बात पे कहा था कि अब मैं नहीं, पहले मैं एक एक बात क्लियर करूँगी, मैंने उस बात पे कहा था कि अब मैं नहीं, मेरी विंध्यवासिनी माँ इन लोगों को जवाब देगी। जब विंध्याचल माता का बात आया ही है तो जब हम बच्चे इतने नालायक हैं तो माँ कैसी होंगी, माँ तो तुम लोगों को फाड़ देंगी। इसलिए तो माँ ने अपने दामाद को सबको बुला लिया ना। मैं पवन भाई लोग को इसलिए नहीं लाई हूँ कि डर लगा है, मैं इसलिए उनको लाई हूँ कि हाँ मेरे भाई की शादी है और वो भी मेरे भाई है, भाई भाई की शादी में नहीं आएगा तो कैसे अच्छा लगेगा, और उनकी सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी। मैंने पवन भाई को, विलास भाई को, सबको मैंने प्रॉमिस किया, पूरे यूट्यूब पे बता रही हूँ कि उन्होंने जो सच का साथ दिया है ना उसके चक्कर, उस चक्कर में उन तक कभी कोई आने की कोशिश भी किया तो विद्यादेवी ढाल बन के खड़ी रहेगी, काट के फेंकने का दम रखती हूँ मैं उन लोग को, मेरे रहते उनको कभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने जो मेरी हेल्प की वो बहुत बड़ी की है। लोग सिर्फ बोलते हैं, उन लोगों ने करके दिखाया, और उनको मैं यहाँ पे सिर्फ शादी के हिसाब से लाई हूँ। और हाँ, मेरी भाभियों को भी हाथ से रिक्वेस्ट करूँगी, सब तो नहीं कभी एकाक, एक्चुअली मेरे प्रभु बहुत बदमाश है, मेरे प्रभु इतने बदमाश है, मेरा हनी नहीं आया है, नहीं तो सोने पे सुहागा हो जाता। ये लोग कोई भी अगर अपनी गर्लफ्रेंड या बीबी से बात करते तो लोग पीछे से लड़की की आवाज़ निकालते हैं। अभी मेरे प्रभु ने परसों वही किया, हनी नहीं था तो हनी की कमी उन्होंने पूरी की। वो विलास भाई अपनी बीवी से बात कर रहे थे और उन्होंने पीछे से लड़की की आवाज़ में, अरे काय कर तो इकड़े ये ना ये करके भाभी भड़क गई। देखो पहली बात मैं सब भाभी को बोलूँगी, ऐसे बिल्कुल मत सोचिए, मैं हूँ साथ में ना, और मेरे साथ यहाँ पे कोई जंग लड़ने नहीं आए हैं, यहाँ शादी में आए हैं। शादी में अगर 4-5 दोस्त साथ में निकलेंगे तो सीधी बात है ना, गाड़ी में हंसी मजाक करते निकलेंगे, मैं तो आगे बैठी हूँ, प्रेग्नेंट हूँ, ये लोग दोस्त लोग अपना पीछे बैठ के मस्ती करते आ रहे, तो प्लीज़ आप प्लीज़ बिल्कुल माइंड मत कीजिए, आपकी ननद है साथ में, मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगी, और एक्चुअली ऐसा कुछ है भी नहीं। मेरे प्रभु ने बल्कि कल तो भाभी को सॉरी भी बोला कि ताई मैं हूँ, मजाक कर रहे थे हम लोग, लेकिन उनको शायद गलत लगा। मैं दिल से बोलती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं, आप प्लीज़, लोग कहीं गमारी मारा या घूमने नहीं आया, यहाँ पे लोग शादी में आए हैं, शादी में अगर आके लोग इंजॉय नहीं करेंगे तो कैसे लगेगा बताओ। अब गाड़ी में सब 4 दोस्त हैं तो सीधी बात है, इंजॉय करते मजाक मस्ती करते ही आएंगे ना, और अभी शादी है, कौन सा महीने भर के लिए आए हैं, जुमा 7-8 दिन के लिए आए, 7-8 दिन शादी निपटा के आएंगे, तो प्लीज़ आप लोग भी एकदम अच्छे से खुश रहो और उनके साथ भी अच्छे से बात करो, बिल्कुल भी दिल में शंका मत लो, क्योंकि मैं हूँ साथ में, प्लीज़। ये मेरा प्रभु बहुत बदमाश है, और मेरा हनी नहीं है, मेरा हनी होता ना तो पक्का आप तो तलाक ही ले लेते आप लोग, तो इतना इतना लड़कियों की आवाज़ में बात करते हैं ना कि ऐसा हो जाता है, तो ऐसा मत माइंड करो, ये बात है, ये मैंने क्लियर किया। तो YouTube पे किसी ने मैसेज किया तो उस बात पे मैंने कहा, क्योंकि ये लोग अपने लोग हैं, अगर ये लोग गलत होते तो सही होते तो मैसेज डिलीट नहीं करते, ये डायरेक्ट हमारी विंध्याचल माँ पे आते हैं, कौन होते हैं माँ पे आने वाले। तो ठीक है, देखिए अब गलत लोगों के साथ जो गलत होगा, इसलिए बोला कि उस दिन चलो हम 3 जन थे, मेरे प्रभु पे तो हावी हो गए थे, हम 3 जनों ने मैदान में कूदे थे, वो 15 लोग थे। मैंने उन लोगों को कहा है क्योंकि 15 लोगों के साथ साथ और भी जो उन लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो लोग बाहर से आते हैं, इन्फॉर्मेशन तो कोई नहीं देता है, गांड की चबरी इन लोग की है। मेरा कहना बस इतना है कि उस दिन उस आरिफ के साथ जितने लोगों ने मेरे प्रभु को हाथ लगाया था, ज़बरदस्ती हाथ लगाने आया था, जिस तरह से अपनी गुंडागर्दी दिखाई थी, ये वादा तो पक्का है कि अब मैं नहीं, अब मेरी माँ देखेंगी। और जो भी आज की तारीख में 2020 से लेकर जब से लफड़ा हुआ है, 2020 से लेकर अब तक जो लोगों ने भी उनका साथ दिया है, उन सबके साथ अब होगा ही होगा। क्योंकि मेरे को ये बुरा लगता है कि आप लोग मेरी मेंटेलिटी समझते क्यों नहीं है। मैं एक प्रेग्नेंट औरत हूँ, 3 साल से प्रेग्नेंट हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, 3 साल तो होने आ गया ना, सब जानते हैं, बच्चा हो नहीं रहा क्योंकि मैं ऑपरेशन करा नहीं रही, मेरे अंदर एक डर है, मैं हॉस्पिटल भी नहीं जा रही। क्यों डर है? क्योंकि मेरी नसें ब्लॉक हो गई, इतने गंदी तरीके से मुझे नशा दिया गया कि मेरी नसें ब्लॉक हो गई हैं, नसें ब्लॉक, तो मुझे डर लगता है कि क्या सच में बच्चा है या कोई बीमारी तो नहीं, क्योंकि आज के दिन में हर जगह YouTube Facebook पे आता है कि एक औरत लग रही थी प्रेग्नेंट, उसके पेट में से निकला 20 किलो, सॉरी लाइट चली गई, तो सब कहते हैं ना 20 किलो का 30 किलो का कैंसर निकला, इस डर से भी, लेकिन मेरा बच्चा है, घूम रहा है, मुझे पता है, मैं जब पेट पे हाथ रखती हूँ तो धक धक होता है,
और मेरी एक इच्छा है कि मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है। ऐसा नहीं है कि मैं पहले भी हॉस्पिटल नहीं गई हूँ, बहुत सारे जन गए हैं तो बहुत सारे जन ने झूठी बोल दिया कि कुछ है ही नहीं पेट में, तो भी मैं ये मान के चल रही हूँ कि चलो कुछ नहीं है पेट में तो जान दो, जब कुछ नहीं है तो मुझे जरूरत क्या हॉस्पिटल जाना, कुछ होएगा तो कुछ ना कुछ तो होएगा बाहर आएगा, और कुछ नहीं होगा तो नहीं आएगा, जाने दे। बात सोच के मैं मन में दिलासा रख के बैठ गई, लेकिन मुझे मालूम है मैं वॉशरूम भी जाती हूँ ना तो मुझे अगर इंग्लिश बाथरूम में तो ही बैठ पाती हूँ। ऐसा भी नहीं कि मेरा शरीर मोटा है इसलिए, पूरा शरीर ऐसा पतला है एक्सल साइज़ का है और पेट इतना बड़ा बाहर निकला है। पेट का अगर मैं इंची टेप से मापूँ तो एक औरत का कमर का साइज़ कितना होता है। मैं आपको सच बोलूँ, कभी कभी मुझे चिड़ लगती है तो मैं पेट के बल सो जाती हूँ, अगर पेट के बल सोती हूँ, अगर बच्चा रहेगा तो पेट के बल सोने नहीं होगा, सच में नहीं होता मुझे। मैं जब पेट के बल सोचती हूँ मेरी सांस फूलने लगती है, मैं देखो बात भी करते करते हाँपने लगती हूँ, मैं ज़्यादा देर गाड़ी में नहीं बैठ पाती, मेरे पेट में कमर में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है, और इससे मेरे पति से ज़्यादा कौन जानेगा। आपको पता है मैं 3 साल से अपने पति, मेरे प्रभु मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे प्रभु मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे प्रभु मेरे बच्चों से प्यार करते हैं, मेरे कुत्ते से प्यार करते हैं, मेरे होने वाले बच्चे से प्यार करते हैं। मेरे प्रभु को मैं पता नहीं ठीक से प्यार दे पाती हुई हूँ कि नहीं, क्योंकि एक प्रेग्नेंट औरत के साथ फिजिकल रिलेशनशिप पूरी तरह हो पाता है कि नहीं वो भी नहीं पता, लेकिन मेरा प्रभु मुझे उस तरह से मान सम्मान देता है। और उस दिन जो हुआ ना तो मैं डर गई, क्योंकि पहले मैं सबके सामने ये बोलती थी कि प्लीज़ ऐसा कुछ करो मत, मेरे 3 बच्चे अनाथ हो जाएंगे। आपको सच बोलूँ परिवार के मामले में, परिवार के नाम पे जो लोग आज बीच में भी कुछ हुआ था, मेरी महिला मंडल लोग ने कुछ लोगों को गाली दी तो लोग अपना रिश्तेदारी बता रहे थे, हम लोग ये हैं वो हैं। एक बात बताओ, कहाँ गई थी उस वक्त रिश्तेदारी जब मैंने पैसे बंद कर दिए थे देने के लिए और मेरे पीछे आदमी छोड़ दिए गए थे मारने के लिए। मेरे बच्चे हॉस्टल में थे, मुझे आज भी वो दिन याद है, मैंने अभी तक वो मोबाइल संभाल के रखा है। ये बातें मैं इसलिए बता रही हूँ कि कभी कभी ये बातों को मैं कभी ना कभी, अगर मेरा वीडियो डिलीट भी करवा दिया गया, अगर किसी को बात गलत लगती है तो वीडियो डिलीट करा दिया जाएगा, तो भी फिर ये बात को मैं फिर से मेरे पास एक तो सुनील भाई मिले, इस सब सारी बातों को फिर मैं क्या बोलते हैं मीडिया कॉन्फ्रेंस में करने वाली, वो भी मेरे घर में भी नहीं बाहर भी नहीं, मैं कहीं ऐसे अनजान जगह ही करूँगी और उसके बाद मैं अपनी जान दे दूँगी। मैंने अभी सोच लिया है, क्योंकि मैं ये सोची हूँ कि मुझसे ज़्यादा अहमियत लोगों को दी जाती है, मैं कौन हूँ, मेरा कोई मीनिंग नहीं है, मेरे ऊपर जो बीता है मेरे साथ जो हुआ है उसका किसी को कोई